हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज है थर्सडे, तारीख है 2 दिसंबर। ये वाला रूम मुझे भी सेट करना है क्योंकि आदित और तनु है वो पूरा दिन भर बेड में बैठे रहते हैं, तो फिर मैं उनका ये जो रूम है ये बिल्कुल भी क्लीन नहीं कर पाती हूँ, बेडशीट वगैरह नहीं चेंज कर पाती हूँ, तो ये मुझे अभी करनी है क्योंकि दोनों छत पर गए हैं। और आई थिंक तनु अभी नहाएगा क्योंकि अभी अभी उसने जो है पानी की जो बकेट है वो भरी है। अभी भी एक कमेंट आया था कि कान में कुछ पहन के रखा करो, ठीक है, कान में पहले तो रेशे चले गए हैं उसके ब्लैंकेट के, ये देखो। तो आपको पता है कि मैं फंक्शन में गई थी तो उस दिन मैंने थोड़े हैवी वाले पहने थे, तो वो मैंने कल ही रात को, नहीं जिस दिन आई थी उस दिन रात को, क्योंकि उसके जो पेच होते हैं ना वो पीछे चुभते हैं ऐसे लेटने में, तो मैंने उतारे थे, तो दूसरे पहनने का मुझे भी टाइम नहीं मिला, तो मैं दूसरे पहनूंगी अभी। और आज मुझे थोड़ी सी जो है ये है कि काम कम है क्योंकि मैंने दिन में ही दाल बना रही थी, तो वही शाम के लिए भी हो जाएगी, बहुत सारी बन गई है, हालांकि अगर चाहे तो वो अगले दिन के लिए भी हो जाएगी, कुछ ज़्यादा ही बन गई मुझसे, तो शाम की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर सबसे पहले इनका जो ये रूम है ये मुझे चमकाना है। मैं सोचूँ कि इनके लिए वो सर्दियों वाली जो है बेडशीट, गर्म वाली वूलन वाली जो बेडशीट है वो बिछा दूँ, आई थिंक वो बिछा देनी चाहिए मुझे। और मौसम इतना ख़राब है, इतना ख़राब है, इतनी ठंड हो रही है ना बाहर, बिल्कुल भी नहीं खड़े हो जा रहे हैं। इस कुर्ती के लिए मुझे कमेंट आया था आज ही की वीडियो में, जो वीडियो आज गई है, कि ये कुर्ती आपने कहाँ से ली। ये कुर्ती ना मैंने बिलासपुर की मार्केट से ली थी, मेन बस स्टैंड के थोड़ा सा आगे की तरफ को, वहाँ से ली थी, और ये 4-5 साल पुरानी है, लेकिन इसको कुछ भी नहीं हुआ है। इवन इसकी जो लेगिंग है ना वो भी इसी तरीके की है, बिल्कुल गर्म वाली, बट वो मैंने नहीं पहनी, वो मुझसे पहनी नहीं जाती, तो मैंने इसके साथ ये ब्लैक वाली जो सिंपल वूलन वाली रहती है ना, लाइक्रा की आती है, लाइक्रा है कि लाइरा है क्या है, एक मिनट, इसका टैग लगा होता है साथ में, लाइरा, लक्स लाइरा की जो गर्म वाली आती है ना पजामी, वो पहनी हुई है, मतलब ये वाली भी बहुत गर्म है, तो इसमें तो रोए आ गए, बट जो इसकी इसके साथ की पजामी है उसमें रोए नहीं आए हैं, तो वो थोड़ी सी क्या होता है कि इचिंग होती है उसको पहनने से स्किन में, इसके नीचे तो जैसे ऐसा होता कि हम लोग टी शर्ट या स्पैगेटी कुछ पहन ले तो फिर इतनी चुभती नहीं है, तो ये बात है। कितनी सारी बातें मैंने बिना सांस लिए कर लिया ना, तो चलो इस रूम को साफ कर लेते हैं। इसके बैग वगैरह नीचे पड़े हैं तनु के, वो मुझे सेट करके देना है इसको, क्योंकि परसों से लेके ये कमरा बिल्कुल भी कुछ भी काम नहीं हुआ इसमें, तो मैं सोच रही हूँ उर्वी पे भी सोई हुई है तो क्यों ना ये काम निपटा लिया जाए, है ना। तो चलिए इस रूम की जो क्लीनिंग है उसको करते हैं शुरू। बहुत ज़्यादा क्लीनिंग तो नहीं है, बट हाँ ये है कि जो सामान बिखरा पड़ा है बस उसको थोड़ा सेट करना है, और वो भी कोई आसान काम नहीं है, मतलब टाइम लग ही जाता है। तो दिन में जैसा कि मैंने बोला कि लोग बैठे रहते हैं ना बेड पे हर वक्त, और मौसम भी 2 दिन से बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इस वजह से मैं ये जो रूम है इसको प्रॉपरली क्लीन भी नहीं कर पा रही हूँ। ऊपर से यहाँ पे ना ये दिक्कत रहती कि चाहे जितना मर्जी साफ़ कर लो, धूप लगा लो, कुछ ठंडे ठंडे से रहते हैं ये कमरे अंदर, तो वैसे ही ठंडी ठंडी सी बहुत ज़्यादा फील रहती है यहाँ पर। और चलिए बेडशीट मैंने नीचे से यही बिछा दी है, मैं सोच रही थी गरम बिछाऊंगी, वो भी मैं बिछाऊंगी, लेकिन पहले जो नीचे जो बेडशीट बिछी हुई है ये कॉटन वाली, इसी को रहने दूंगी, ताकि जो दूसरी बेडशीट है मतलब जो गरम वाली बेडशीट है वो भी सेट रहे, वैसे भी सेट रहती है, बट फिर भी मैंने सोचा कि अभी ये बेडशीट गंदी नहीं हुई है, इसको 2-4 दिन और निकाल लेते हैं और फिर सास में ऊपर से दूसरी बेडशीट डाल लेते हैं। और ये जो छोटे वाली क्विल्ट है ना ये वाली, तो इसको मैं इतने दिन से सोच रही हूँ कि मैं इसको बेड बॉक्स में डालूँ, बट फिर अभी दोबारा शायद कोई ना कोई चला रहता है, आते रहते हैं जैसे गेस्ट वगैरह, तो मैं सोच रही हूँ अभी इसको बाहर रख दूँ। ये देखने में लग रही है आपको कि बहुत छोटी है और बहुत ही पतली सी है, बट मैं आपको बताऊँ ये बिना कंबल के भी इतनी गर्म है ना, आई थिंक इसके अंदर फाइबर है कि क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत गर्म है। तो अभी मैंने पतला वाला जो ब्लैंकेट आते हैं ना फ्लीस के, वो वाला मैंने बिछाया है, बहुत मोटा वाला जो बेडशीट्स होती हैं प्रॉपर बेडशीट्स होती हैं वो मैंने नहीं बिछाई है अभी, पहले सोच रही हूँ कि अभी हल्की फुल्की सर्दियाँ हैं तो ये चल जाएगा और ये उतना ज़्यादा फिसलता भी नहीं है, तो इसको मैं प्रॉपरली जो है बिछा लेती हूँ। और ये आदित के काम है, सारे पिल्लो सॉक्स सब कुछ जो है ये बेड के पीछे की तरफ फेंक देता है, तो ये छोटे छोटे पिल्लो हम जानबूझ के रखते हैं बेड पर, क्योंकि किसी को अगर बड़ा तकिया ना लेना हो तो फिर उनको ये छोटे छोटे हल्के फुल्के वाले जो पिल्लो है वही काम आते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये वाली बेडशीट बिछा दी है। ये वाली बेडशीट बिछाने के पीछे रीज़न ये है कि ये जो बेडशीट है ना ये ज़्यादा खिसकती नहीं है, और जो मेरे पास दूसरी वाली है ना सर्दियों की बेडशीट,
जो मैं सोलन से लेके आई थी पिछले साल, मैंने आपको दिखाई थी वो। उसमें क्या होता है कि वो खिसकती रहती है। एक तो ठीक है, मगर दूसरी बहुत खिसकती है। लेकिन इनके पास जो ना खिसकने वाली है वो भी नहीं चलती इस बेड पे, क्योंकि जैसे पढ़ने के लिए बैठते हैं ना पीछे टेक लगा के ऐसे, तो वो खिसकती रहती है बेडशीट आगे वो। तो मैंने ये वाली बिछा दी है, ये तो बहुत ही नॉर्मल सा जो ब्लैंकेट आता है ना फ्लीस का वो है। तो अभी फिलहाल के लिए यही ठीक है। थोड़े से इसके कलर ऐसे होते हैं जो अच्छे लगते हैं, लेकिन सर्दियों में आई थिंक सर्दियों से बचना ज़्यादा ज़रूरी है ना। बाकी सब चीज़ें तो सेकेंडरी है, सर्दी से बचना मैंडेटरी है। तो बेडशीट मैंने बिछा दी है। रजाइयों में आपको पता है कि काफ़ी पहले से ही मेरे गर्म वाले कवर लगे हुए हैं, क्योंकि यार यहाँ पे गर्मियाँ आती कब है, आती नहीं है। वो जो पहले वाली बेडशीट्स है ना उनके ये पिलो कवर इस तरीके की हैं वो बेडशीट। एक का कलर ऐसा है, दूसरी वो वाइट से कलर की, ऑफ वाइट से कलर की है। तो ये बहुत फिसलती हैं, होती तो बहुत सॉफ्ट है लेकिन गद्दे से फिसलती बहुत है। तो बेडशीट बिछा दी है, पिलो रख दिए हैं, और ये रजाई अंदर से इनमें भी सेम वही दिक्कत है। इसके ऊपर जो ब्लैंक ये लगाया कवर लगाया, ये गरम वाला है फ्लीस का है। अंदर जो है ये वेलवेट से टेक्सचर के मेरे पास ब्लैंकेट टाइप रज़ाई आती है ना, जो अंदर से मतलब ब्लैंकेट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं या फिर रज़ाई की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, वो वाली है। तो ये भी फिसलता रहता, तो ये भी बहुत बिल्कुल बार बार रोज़ ही सेट करना पड़ता है। और आई थिंक मैक्सिमम हिमाचल में सबके पास, ज़्यादातर लोगों के पास ये वाले जो कवर है ना रज़ाइयों वाले, ये होंगे होंगे। और ये सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है, क्योंकि इनसे ना फिर ब्लैंकेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है साथ में। बाकी तो सब कुछ ठीक है, लेकिन एक मेरा आदित्य है जिसके सारे कपड़े इधर उधर थे। ये क्या करता है, दिन में 3 जैकेट चेंज करता है, कभी एक पहनेगा कभी दूसरी पहनेगा, फिर जो बाकी होती है ना उनको इधर उधर करता रहता है। और फिर सारी चीज़ें क्या करेगा, कोई इधर फेंकेगा कोई उधर फेंकेगा। और मीनवाइल जो है उर्वी भी उठ गई है, तो मैं इसको यहाँ पर ले आऊँगी, ये यहीं खेलती रहेगी। और साथ ही साथ जो यहाँ के काम है इस रूम के, वो भी मैं निपटाती रहूँगी। बस मैं वही कह रही थी कि आदित क्या हो करता है, इसकी अलमीरा इस रूम में पड़ी है ना, तो अपने कपड़े निकालता रहेगा और इधर उधर फेंकता रहेगा। वैसे करते करते पूरा जो घर है वो बिखर जाता है। तालियाँ बजा रही तो रही है, 3-4 दिन से तालियाँ ही तो बजा रही है। मैं ब्लॉग एडिट करती हूँ ना, तो इसकी अपनी आवाज़ सुनाई देती है ना, अपनी आवाज़ पर रिएक्ट करके तालियाँ बजाने लग जाती है। और जी क्या बात है, क्या बात है, पैसे लाओ, गिव मी मनी। ये 5 रुपए निकाले तुमने जेब से मुझे देने के लिए है? और मेरी मेरी माँ ने मैंने समझाया है कि खाली हाथ नहीं होना चाहिए। जेब च मूंगफलियां पा के रखो, काजू बदाम मूंगफलियां, कोई हाथ अग्गे करे तो उन्हें फड़ा दो। तो तुसी मैनू 5 रुपए दिते हैं, भाई खुद ले लो जाके, आ गए तुसी खा लो, और की है, ऐश करो साडे राज ते। 5 रुपए ते कल जांदे मजा आ जांदा। गुड मॉर्निंग, तो सुबह के जो है 9:40 होने वाले, सॉरी 8:40 होने वाले हैं। और अभी अभी हम सो के उठे हैं, अभी 8 बजे उठे थे, चाय हो गई है। रात को मैंने ब्लॉगिंग बिल्कुल नहीं की, बिकॉज आप मेरी यहाँ पे ये देखो आँख देख सकते हो, रात को तो ये और भी ज़्यादा स्वेलिंग पूरे में थी इसमें। हाँ ये देखो रात को ना इसमें ये जो पूरा अभी स्वेलिंग है हल्की हल्की सी, रात को ये पूरी स्वेलिंग थी, पूरी मतलब पूरी आँख ऐसी मोटी हो रखी थी। तो फिर मैं ब्लॉग, अजीब सी लग रही थी देखने में, तो फिर मैंने ब्लॉग नहीं किया। पर अभी मैं और उर्वी चाय पी के सोए हुए हैं। तू खुद को देखते रहता है। उफ, तो अभी जो है नीरज तो फ्रेश होने गए हैं, लेकिन हम बनाएंगे ब्रेकफास्ट। पोहा जो है, पोहा ही बनेगा अभी सुबह सुबह, क्योंकि फिर वो थी बीन्स, फ्रेंच बीन्स होती है, फ्रांस बीन, वो फिर वो कट करने में टाइम लगता है सुबह सुबह। तो वो नहीं, मेरी आंख ना वो नहीं हो रही है ऐसे प्रॉपरली, खुल नहीं रही है या बंद नहीं हो रही, क्या बोलूँ,
अटपटा सा लग रहा है बहुत, पता नहीं किसी चीज़ ने मुझे काट लिया शाम में, पता नहीं किसी चीज़ ने काटा, एकदम से फूल गई है एकदम से, बैठे बैठे मैं खाना खा रही थी और एकदम से ऐसे हुआ। ऐसा भी नहीं कि किसी चीज़ से एलर्जी हुई होगी, क्योंकि नॉर्मल जो मैं रोज़ खाती हूँ उसी टाइप का खाना था। तेरे को क्या हो रहा है क्या हो रहा है? तेल मेरा है मुस्की, गंज रहे ना खुशकी, जिसके सर पे हाथ फिरा दे चमके किस्मत उसकी। ये तो भाई मेरी वो है पूंछ, जैसे मैं उठूं वैसे ही ये उठ जाती है। तो पोहा जो है वो मैंने साफ करके रख दिया है, प्याज कट करके रख दिया, आलू कट करके रख दिया है। तो अब हम जल्दी से बनाएंगे पोहा। अपने नेल्स भी मुझे कट करने के, ऐसे राक्षस जैसे बड़े बड़े हो रहे हैं ना। इसको भी खांसी हो रही है, तुमको भी खांसी हो रही है? गुड मॉर्निंग। तो सुबह के 10:30 हो रहे हैं और तनु के कुछ कपड़े थे, गीले कपड़े पैकेट में आए, गिले थे ना इसलिए इसमें पॉली बैग में डाले, इनको सूखने के लिए डाल देती हूँ क्योंकि हल्की हल्की सी धूप निकल गई है। आहा बहुत ही मज़ेदार लग रहा है धूप देख के। ओ भाई बर्फ पड़ गई है ये देखो। वैसे अलर्ट तो थे स्नोफॉल के, देखो स्नोफॉल हो ही गया है। ये देखो निकलना भी एक सपना जैसा ही लग रहा था एक दो दिन से। और आँख ना मेरी बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है इसमें, चेक लग रहा है, चेक ही करवानी पड़ेगी। तो इस पॉलीथीन में कपड़े उसके लेके आए थे गिल्ले, 2 दिन से ऐसे ही पड़े थे क्योंकि धूप नहीं थी बिल्कुल। और भी कुछ है मैं सुला के आई हूँ नीचे और धूप निकली है तो सोचूँ कि फटाफट नहाने धोने वाले जो काम है वो भी निपटा लूँ अपने। और धौलाधार बड़ी सुंदर लग रही है, बर्फ़ पड़ गई है ना, अब बर्फ़ पड़ गई, अगर बारिश भी हो जाए तो मौसम खुल जाएगा अच्छा खासा, लेकिन बर्फ़ पड़ गई है तो भी थोड़ा खुल ही जाएगा। बादल तो है, ये देख सकते हो आप, बादल तो है। चलो चलते हैं नीचे, काम निपटाते हैं ना, धूप सेकने का मौका भी नहीं मिलेगा अभी। तो 12 बज गए दोपहर के, नहावा के बाल हल्के फुल्के तो सूख ही गए, ज़्यादा नहीं सूखे पर उतनी अच्छी खास धूप नहीं है। आदित, आदि, आदु, क्यों नहीं सुनते हो आप जब मैं आपको आवाज लगाती हूँ? हैं? ये बहुत बैड मैनर्स है बेटू, कहीं गुम हो जाओगे ना फिर मम्मा को ऐसा लगेगा कि आप जानबूझ के नहीं सुन रहे हो, समझे? इसे जैसे आवाज सुनाई दे वैसे ही हाँ जी सुनाई देना चाहिए मुझे, ठीक? अब चाचू क्लास लगेगी, आप उधर आ जाओ दूसरे रूम में। चलो अब चाचू को डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है? क्लास लगी तेरी अब।
अच्छा, आंख में अभी भी हल्की हल्की सी मेरे स्वेलिंग है ही। मम्मा नेल पेंट लेके घूम रही है, कब से लेके कि नेल पेंट लगाऊंगी, बट नेल पेंट लगाने तक का भी मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। तो ये जो वीडियो है ना, ये बहुत लंबी हो गई है, इसको हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, हाँ लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, कमेंट। रुको भी उतारती हूँ नीचे। चैनल पे नए हैं तो कर दीजिए सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय।